नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर से हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में मूंग की खेती कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको गर्मी में मूंग की बुवाई लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें गर्मी में मूंग की बुवाई कब करें, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद में बुवाई करने पर फसल की पकने की अवस्था पर मानसून आ जाने से मूंग में फंगस का अटैक हो जाता है, जिससे फलियां ख़राब हो जाती हैं। वहीं हम बात करें बीज दर की, तो गर्मी में मूंग की खेती करने के लिए आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बुवाई के समय खाद एवं उर्वरक की मात्रा की, तो आपको 2 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 5 से 10 किलोग्राम फ्यूराग्रो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की अंतिम जुताई के समय डालना है। अब हम बात करते हैं गर्मी के लिए मूंग की उन्नतशील किस्मों की, तो उन्नत किस्मों में आप पूसा 9521, शिखा, विराट, सम्राट जैसी किस्में लगा सकते हैं। यह सभी कम अवधि वाली किस्में हैं। किसान भाइयों, बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो कोशिश करें कि आप मूंग में 2 बार निराई गुड़ाई करें। यदि आप निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 20 से 25 दिन की अवधि पर आप इमेजाथाई पर 10% टेसल की 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो किसान भाइयों, मूंग की बुवाई के बाद 25 से 30 दिन की अवधि पर आपको पहली सिंचाई करनी है। उसके बाद 12 से 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और कीटों की रोकथाम के बारे में। मूंग की फसल में कीट की बात करें, तो सर्वाधिक नुकसान व्हाइट फ्लाई, फल छेदक इल्ली के द्वारा किया जाता है। तो व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आप एसीटामिप्रेट 20% SP की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, या इसके अलावा FMC कंपनी की कोराजन 6 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से अपनी फसल पर छिड़काव करें। वहीं फ्रूट बोरर यानी फल छेदक इल्ली के लिए आप 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट को 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल पर छिड़काव करें। बात करें रोगों की, तो मूंग की फसल में वाइट रस्ट यानी पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या के अलावा येलो मोजैक की समस्या भी देखने को मिलती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप 50 ml प्रति पंप के हिसाब से फोलियो गोल्ड दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस ट्रैबिकोनाजोल टेक्निकल की 15 से 20 ml मात्रा प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या इसके अलावा FMC के अजाका ड्यू की 100 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से किसी भी दवा का छिड़काव करने से आपकी मूंग की फसल में लगने वाले सभी फफूंदी जनित रोग खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।